इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। यह है बेतवा नदी, जिसके किनारों पर स्थित इन चट्टानों में छुपे हैं यहाँ के प्राचीन इतिहास के राज, यहाँ की बौद्धकालीन गुफाएं। कुछ समय पहले यहाँ हुई खुदाई में चट्टानों को काटकर बनाई गई प्राचीन बौद्ध गुफाएं मिली हैं। ये गुफाएं एक पहाड़ी के आधार पर टिकी हुई हैं। माना जाता है कि ये 6वीं शताब्दी की हैं, जिसकी वजह से इन गुफाओं का पुरातत्व विज्ञान के लिहाज से बहुत महत्व है। उनकी दीवारों पर कई आकृतियां उकेरी गई हैं, जिनमें बुद्धा, बोधिसत्व और कई पशु शामिल हैं। हो सकता है कि इन गुफाओं का इलाका आज अंधकार में पड़ा दिखाई दे, लेकिन प्राचीन काल में देवगढ़ उत्तरी भारत और दक्कन के बीच व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। यह सांस्कृतिक मेलजोल का भी बहुत बड़ा केंद्र था। देवगढ़ मुख्य सड़क मार्गों के जरिए एरन, सांची, उज्जैन, झांसी, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र और बनारस जैसे शहरों से जुड़ा हुआ था। ये गुफाएं यहाँ आने जाने वाले भिक्षुओं और व्यापारियों के लिए घर की तरह उपयोग की जाती होंगी। अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से देवगढ़ गुप्त साम्राज्य में भी इतना महत्वपूर्ण शहर बन गया था कि उन्होंने यहाँ भव्य दशावतार मंदिर बनवाया, जो गुफाओं से महज 1 किलोमीटर दूर स्थित है। ये मंदिर सन 500 के आसपास बनवाया गया होगा, इसी लिहाज से इसे भारत का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। पत्थरों और ईंटों से बने इस मंदिर में 100 से ज्यादा मूर्तियां बनी हुई हैं, जिनमें देवताओं, देवियों, शाही महिला, पुरुष और आम जनता शामिल हैं। यहाँ कई पैनल भी हैं, जिनमें महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों के दृश्य के साथ ही स्त्री और पुरुष के प्रेमालाप और प्रणय मुद्रा की भी छवियां हैं। गुप्ता राजवंश के पतन के बाद इस मंदिर को पूरी तरह भुला दिया गया था। सन 1870 और 71 में जमीन के रूप की पैमाइश करते वक्त कैप्टन चार्ल्स स्ट्रेहान की नजर इस मंदिर पर पड़ी थी। देवगढ़ ने गुफाओं, मंदिरों और एक किले को भी अपने में समेटे हुए रखा है। ये किला गांव की पूर्वी दिशा में कुछ 100 गज के फासले पर स्थित है। ये किला नदी के किनारे सुरक्षा रेखा पर बनाया गया है, ताकि दक्षिण या पश्चिम दिशाओं से आने वाले हमलावरों से सुरक्षा हो सके। इस पहाड़ी किले के पूर्वी हिस्से में चंदेल युग का जैन मंदिर परिसर है। यहाँ 30 से ज्यादा मंदिर है, जिनमें सबसे पुराना मंदिर 8वीं और 9वीं शताब्दी के है। इस परिसर में 2000 से भी ज्यादा मूर्तियां हैं, जिनमें तीर्थंकरों की मूर्तियां और उनकी उकेरी हुई छवियां हैं। इनके अलावा मनत्ती स्तंभ, पट्टियां और पैनल हैं, जिन पर जैन पौराणिक कथाओं के दृश्य बने हुए हैं। यहां जिस तरह जैन धार्मिक शिल्पकारी की कई तरह के नमूने मिलते हैं, उन्हें देखकर लगता है कि जैन धर्म यहाँ कई शताब्दियों तक खूब फुला फला होगा। देवगढ़ अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं, और वो राज तभी खुल पाएंगे जब आप उस इलाके में जाएंगे। ये सच है कि ये इतिहास और वास्तुकला का बहुत बड़ा खजाना है।